तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा पास है Redmi Note 12। तो Redmi Note 12 में फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे, कैसे फिंगरप्रिंट को सेट करना होगा और कहां पर मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट का सेटिंग्स। इस वीडियो में Redmi Note 12 में फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे। तो फिंगरप्रिंट, अगर आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है Redmi Note 12 में, तो आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पर आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सेटिंग्स पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आपको प्रेस करना होगा। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट अनलॉक पर आपको प्रेस करना होगा। फिंगरप्रिंट अनलॉक पर प्रेस करने के बाद सेट स्क्रीन लॉक, तो आपको कोई भी एक स्क्रीन लॉक सेट करना होगा। पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, कोई भी एक स्क्रीन लॉक आपको सेट करना होगा। आपका मनपसंद सेलेक्ट कर सकती हो। तो उसके बाद आपका जो लॉक है मनपसंद लॉक दीजिए, उसके बाद कॉन्फर्म पर प्रेस कीजिए। करने के बाद आपका Redmi Note 12 में साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। तो आपको इस तरह साइड फिंगरप्रिंट पर आपका फिंगर इस तरह आपको ऐड करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको इस तरह फिंगर देना होगा। देने के बाद आपका साइड पर आपका फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। देखिए, एडेड सक्सेसफुली डन। अगर आपको दूसरा उंगली सेट करना है तो ऐड फिंगरप्रिंट पर प्रेस कीजिए। तो करने के बाद इधर से आपका वही लॉक दीजिए। देने के बाद आपका दूसरा फिंगर आप इस तरह सेट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।